नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का आया बड़ा बयान, कहा देश में रहना है तो कानून को मानना पड़ेगा। परिचर्चा के दौरान मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर बोला जमकर हमला, कहा कांग्रेस कोई दल नहीं, देश में आग लगाने वाला संगठन है। नहीं थम रहा है कला केंद्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर, केंद्रीय मंत्री पहुंचे कला केंद्र, कहा कला प्रेमियों की मांग है जायज। बांका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में शराब के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। और जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले श्रद्धालुओं का जत्था मां वैष्णो दरबार हुआ रवाना। अब समाचार विस्तार से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर शुक्रवार को भागलपुर के आईएमए हॉल में परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानी वाला ने की। इस दौरान भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय, बीआईटी मेसरा के पूर्व कुलपति डॉक्टर जनार्दन झा, ट्रिपल आईटी भागलपुर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे समेत कई बुद्धिजीवी और भाजपा से जुड़े लोगों ने अपने विचार रखे। भारत रक्षा मंच और नागरिक उत्थान समिति के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को देश हित में बतलाया। परिचर्चा में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर महागठबंधन देश की जनता को भ्रमित कर रही है, साथ ही कुछ षड्यंत्रकारी तत्व देश की एकता में दरार डालना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। मंत्री चौबे ने कहा कि पिछले दिनों भागलपुर में कुछ उपद्रवी CAA की आड़ में उपद्रव मचाने के फिराक में थे, लेकिन शहर में अमन पसंद लोगों ने जिला प्रशासन के सहयोग से उनके नापाक इरादे पर पानी फेर दिया। बौद्ध ऐसे सभी अनुवायु धर्म के अनुवायों हमने इसमें नहीं इसमें किया है, जो 11 साल पहले जो रह चुके हैं देश में 2014 के 21 दिसंबर उसके पहले से जो रह चुके हैं, कम से कम पहले 11 साल का प्रावधान था, अब 5 साल यानी कि 2014 के पहले 5 साल जो कोई रहे वो नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे और उन सब लोगों को के कागजात के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। ये सरकार ने वही एक्ट किया है, कोई नई बात हमने इसमें किसी को हटाने की बात नहीं है, इसमें सबको नागरिकता देने की बात है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने कहा कि CAA का विरोध गैरकानूनी है और कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। सभी के लोग यहाँ रहते हैं और उस समय रहना शुरू किए जब से हम आजाद। आजादी के पहले एक बात जरूर चर्चा उठी कि एक नया देश बनने जा रहा है पाकिस्तान, जिसको यहां रहना है आप यहां रहो, जिसको वहां जाना है वहां रहो, किसी को कहीं पर कोई रुकावट नहीं हुई। जब दो देश अलग अलग बनते हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई चाइना हो, जापान हो, हर एक देश के अपने नियम कानून है, कायदे होते हैं। अगर नियम कानून कायदे से कोई देश अगर नहीं चलेगा तो बहुत मुश्किल होगा कि समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को एक रूपता रखने के, इसीलिए संविधान बनता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अशोक भिवानी वाला ने कहा कि जनमानस को नए कानून की जानकारी मिले और कोई भ्रम ना हो, इसी उद्देश्य से परिचर्चा का आयोजन किया गया है। सरकार की धारा को लाकर अलगाव जो था उसको जोड़ने का काम किया गया। मेरा इतना ही सोच है कि वो बंटवारे का काम नहीं था, वो जोड़ने का काम किया गया और हम लोग आपस में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसको हम लोगों ने मान्यता दी। हमारे हम भारतीयों ने मान्यता दी, भारतीय में हम भी हैं, आप भी हैं, सभी लोग हैं। अल्तमस जी ने कितने बढ़िया बातें बताई अभी, तो हम लोग ये सोच के चले कि हम भी हम हैं, आप भी हम हैं और आप भी हम हैं, हम भी आप हैं। ऐसी भावना से अगर हम लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मंच से भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय मंत्री अर्जित शाश्वत चौबे, संयोजक चंदन ठाकुर, नागरिक उत्थान समिति के प्रोफेसर अशोक झा, प्रोफेसर कामाख्या प्रसाद, डॉक्टर एस के पांडे, प्रोफेसर सुरेंद्र और मोहम्मद अल्तमस बिहारी समेत कई लोगों ने NRC और CAA पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय मंत्री अर्जित शाश्वत चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार 3 देशों के शोषित शरणार्थियों को नागरिकता देगी।
इससे देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। संशोधन विधेयक 2019 दोनों सदनों से संसद के पास हो चुका है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी अपना अनुमोदन दे दिया है। ये जो बिल था वो एक्ट के रूप में परिणत हो चुका है। ये हमारे और आपके द्वारा जो भेजे गए सांसद हैं उन्होंने ये किया है। आज CAA का मुद्दा जो है उसमें खामखा लोग इसको दूसरे डायरेक्शन में मोल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे अन्य घटक दल इस प्रकार के जो महागठबंधन में शामिल हैं, वो लोगों के बीच में एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं। सड़कों पर जिस प्रकार से तांडव उन लोगों ने करने का काम किया है इसकी हम निंदा करते हैं। और जो एक बहुत अच्छे बहस के बाद संसद में ध्वनिमत से पारित किया हुआ एक्ट है उस पर अब बात क्यों? तो संसद में हो चुका है, देश में संविधान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। नागरिकता संशोधन कानून NRC को लेकर देश भर में प्रतिक्रिया तेज हो गई है। सत्ता दल के लोग इसे राष्ट्रहित में बता रहे हैं तो वहीं विपक्ष नए कानून का कड़ा विरोध कर रही है। CAA को लेकर शुक्रवार को भागलपुर के IMA हॉल में परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा के दौरान केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को उकाड़ फेंकने की बात कही। मंत्री चौबे ने कहा कि कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। वहीं केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस के नेताओं पर कई आरोप लगाए, साथ ही हिंसा फैलाने, उपद्रव मचाने और दुष्प्रचार करने को कांग्रेस की नीति बताई। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कोई दल नहीं है बल्कि यह देश में आग लगाने वाला संगठन है। मैं कहना चाहता हूं ये कांग्रेस अब दल नहीं रह गया है, ये कांग्रेस सचमुच गांधी की आत्मा पर बार बार प्रहार करने वाला और केवल केवल और केवल गांधी के नाम पर ये ऐसे लोग जो गांधी को उनकी आत्मा पर चोट पहुंचा रहे हैं और नकली गांधी का टाइटल लेकर के ये देश को बर्बादी के कागार पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि अब उनके विचारधारा नहीं है, उनके नेता नहीं है, अब वो पंडित नेहरू का कांग्रेस नहीं रहा, वो भी उस समय आंदोलन का कांग्रेस था, अब तो ये कांग्रेस जो क्या नहीं बोल देता, शहीदों को भी बोल देता है। मैं जा रहा हूं इसलिए उस धरती पर नमन करने। मैंने कहा कम, जिस दिन मैंने उस बात को सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और सच कहिए ऐसे लोग जिनको भारत का तस्वीर मालूम नहीं, जिनको भारत का इतिहास मालूम नहीं है, जिनको भारत के अंदर यहां के लोगों ने किस प्रकार से देश को आजादी दिला, वो अपने पूर्वजों की दुहाई देते हैं। ये गांधी की टोपी पहन करके गांधी का नाम लेकर के बेचने वाले ये सौदागर, गांधी का सौदागर मत बनाओ। पूर्व दंगा कराने का काम एक पर्टिकुलर एक विशेष सरकार के संरक्षण में ऐसे गुंडों को संरक्षण प्राप्त था और भागलपुर में दंगा हुआ, भागलपुर का नाम कलंकित हो गया देश और दुनिया में, जबकि भागलपुर देश और दुनिया में उसके लिए प्रसिद्ध नहीं। भागलपुर शहर के रूप में, रेशमी शहर के रूप में एक शांति का स्थान भागलपुर रहा। भागलपुर कला केंद्र में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कला केंद्र का विवाद जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच चुका है। वहीं शुक्रवार को कला केंद्र की स्थिति का जायजा लेने खुद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कला केंद्र पहुंचे और कला संस्कृति से जुड़े लोगों से मुलाकात की। कुछ देर रुकने के बाद मंत्री ने कहा कि कला केंद्र से मेरा पुराना नाता है और इसकी तरफ काली नज़र रखने वालों का मुँह जल्द ही काला हो जाएगा। मंत्री चौबे ने कहा कि कला केंद्र की हर गतिविधि पर उनकी नज़र है। कला और संस्कृति कला केंद्र है, मैं कितने बार, दर्जनों बार, सैकड़ों बार कहा जाए कि यहाँ आकर के कला के छात्रों के साथ बैठ करके कला को देखा है, उनके कला को उनके मर्मज्ञ को जाना है और ये कला संस्कृति केंद्र है या केंद्र आगे भी अक्षुण्ण बना रहे हमारी शुभकामना है। मैंने इसमें भवन में भी मंच बनाने में भी मैंने राशि दिया था, इन कलाकारों को बाहर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया था और बराबर प्रोत्साहित करता रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज बगल में सभा में था, आप लोगों ने कहा कि चलिए कला केंद्र को देखिए, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे भूमाफिया को
इस कला केंद्र में जब आ गया तो काजे लग गया, वो माफिया को तो बात है। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र में झारखंड बॉर्डर चेक पोस्ट के समीप शुक्रवार की सुबह पुलिस ने अवैध शराब के साथ महिला समेत दो लोगों को दबोच लिया है। पकड़े गए शराब तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब बरामद किया है। दरअसल गोड्डा से भागलपुर जा रहे बस में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान भागलपुर गोराडी निवासी गुरुदेव गुप्ता और जगदीशपुर निवासी झूबी देवी के पास से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद किया गया। वहीं पंजवारा पुलिस ने जांच के दौरान ऑटो से भारी मात्रा में शराब के साथ ड्राइवर संजीव यादव को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों तस्करों के पास से पुलिस ने 80 लीटर शराब बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार तीनों शराब तस्करों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। भागलपुर रेलवे स्टेशन से 150 यात्रियों का जत्था शुक्रवार को मां वैष्णो देवी दरबार के लिए रवाना हुआ। जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोग विक्रमशिला एक्सप्रेस से मां का जयकारा लगाते हुए रवाना हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। समिति के अध्यक्ष विजय शाह ने बताया कि विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना के लिए पिछले 33 वर्षों से यह जत्था लगातार मां वैष्णो देवी के दरबार जा रहा है। वहीं संयोजक डॉक्टर मृणाल शेखर ने कहा कि जन कल्याण एवं देश की उन्नति के लिए धार्मिक भाव से जत्था रवाना हुआ। यात्रा में पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, अनिल जैन, नीरज कुमार, पंकज यादव, चंदन मालाकार, पूजा शुक्ला, बबीता जैन सहित कई लोग शामिल थे। लगातार इसी दिन 27 दिसंबर को सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए और भी उसके अतिरिक्त कई यात्राएं होती हैं साथ साथ में। तो इस धार्मिक यात्रा पर हम लोग पूरे धार्मिक भाव से जिसमें हर तबके के लोग शामिल हैं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें और ठंड पर विजय प्राप्त करते हुए भी हम सभी पूरे भारतवर्ष का कल्याण हो, हमारा बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हां, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विद जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस, बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा बाजार में शुक्रवार की अहले सुबह 10 दुकानों में आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय लोग आग बुझाने में सफल नहीं हो सके। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रंगरा बाजार स्थित मिठाई दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग की लपटें अपने आसपास के 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अब तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। जिला पेंशनर समाज भवन में शुक्रवार को स्वर्गीय कपिलदेव राय के शोक सभा का आयोजन किया गया।
आयोजन में सभी सेवानिवृत्त पेंशनधारियों ने कपिल देव राय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया एवं भगवान से उनके आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान सरिता सिन्हा ने बताया कि कपिल देव राय एक विचारवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। मौके पर वरिया उपाध्यक्ष आनंदी प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव अलाउद्दीन खिलजी, जनार्दन प्रसाद सिंह, सरिता सिन्हा, लक्ष्मी नारायण चौधरी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज की यह शोक सभा स्वर्गीय कपिल देव राय जो सचिव यहाँ के थे ही, साथ साथ प्रांतीय सचिव और राष्ट्रीय सचिव भी थे, उनके निधन पर हम तमाम शाखाओं के और जिला पेंशनर शाखा के सभी सदस्यगण उपस्थित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, शोक दिवस मनाने के लिए। बांका के अमरपुर में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता मीना देवी सुबह ड्यूटी जाने के लिए ऑटो से निकली। इस दौरान तेज रफ्तार ऑटो डुमरामा हाई स्कूल के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें आशा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि ऑटो चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल मीना देवी को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए घायल को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। हम आपको बता दें कि तेज रफ्तार के कारण प्रतिदिन लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। कहलगांव अनुमंडल के सनौला प्रखंड स्थित अमडिहा पंचायत सामुदायिक भवन में शुक्रवार को शिविर लगाकर आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाया गया। इस दौरान करीब 200 लोगों के बीच गोल्डन कार्ड वितरित किया गया। कार्यपालक सहायक बलराम शर्मा ने बताया कि शिविर लगाकर गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें गरीबों का 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क होगा। वहीं मुखिया शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कार्ड बनवाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ शिविर में उमड़ पड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी लाभुकों का कार्ड बनाया जाएगा। भागलपुर के मड़वाली पाठशाला में मानस सत्संग सद्भावना समिति द्वारा 31वां विराट मानस सद्भावना महोत्सव में भजन प्रवचन एवं सुंदरकांड महापरायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के दूसरे दिन राम कथा का प्रवचन किया गया। सत्संग में कथावाचक स्वामी आगवानंद जी महाराज, महर्षि पुनीत पाठक, साध्वी प्रज्ञा भारती समेत कई समाज सेवी व कथा श्रवण करने दूर दराज से लोग आए थे। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का आया बड़ा बयान, कहा देश में रहना है तो कानून को मानना पड़ेगा। परिचर्चा के दौरान मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर बोला जमकर हमला, कहा कांग्रेस कोई दल नहीं, देश में आग लगाने वाला संगठन है। नहीं थम रहा है कला केंद्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर, केंद्रीय मंत्री पहुंचे कला केंद्र, कहा कला प्रेमियों की मांग है जायज। बांका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में शराब के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। और जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले श्रद्धालुओं का जत्था मां वैष्णो दरबार हुआ रवाना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।